नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, हाय हेलो, जय हिंद, जय भारत। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों अभी हाल ही में सुबह सुबह एक दैनिक भास्कर में बहुत ही खुशखबरी, मैं कह सकता हूँ, ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए आई है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया ग्रुप सी की भर्ती प्रक्रिया के बाद होने की तैयारी की गई है। इसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने भी अपने हाथों में कार्यभार ले लिया है नौकरियों का। जैसे कि आप, मैंने एक वीडियो भी डाली थी, पहले बयान भी दे चुके हैं कि ग्रुप डी की सी के बाद वैकेंसी फिल होने वाली है। ये ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए एक खुशखबरी है। इसमें आप अपनी स्क्रीन के सामने देखते हैं क्या पूरा इसमें कहा गया है। ग्रुप डी की नौकरी चाहने वाले कुछ इंतज़ार और करना पड़ेगा, क्योंकि एचएसएससी ने ग्रुप सी की भर्ती को प्राथमिकता पर ले लिया है। सरकार चाहती है कि ग्रुप सी की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। भर्ती प्रक्रिया की धीमी गति से सीएम मनोहर लाल भी संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने सोमवार को कमीशन चेयरमैन, एडवोकेट जनरल और सीनियर अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें सीएम ने कहा कि भर्तियों की गति को बढ़ाया जाए। अब कमीशन 10 व 11 फरवरी को कुछ ग्रुपों की लिखित परीक्षा का आयोजन कराने की तैयारी कर रहा है। कोर्ट में भर्तियों से जुड़े मामलों की मजबूत पैरवी करने निपटाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बाद में एचएसएससी का सचिव बदल दिया गया है। कमीशन सचिव और सीनियर एचएसएससी महेंद्र पाल को एमएसएमई का एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया है। तो ये जल्दी भर्ती प्रक्रिया देखो, फरवरी में कितने ग्रुप के पेपर हो पाते हैं और मार्च के पहले हफ्ते में या फरवरी के अंतिम महीने में कितने ग्रुप के रिजल्ट यहाँ पे ग्रुप सी के निकलते हैं और ग्रुप डी का रिजल्ट कब आता है, देखने लायक चीज़ होगी। और उसके साथ साथ जैसे ही 5 नंबर जो सोशियो इकोनॉमिक के कोर्ट केस पड़ा हुआ है, आज उसकी हेयरिंग है, तो जैसा ही कुछ भी रिजल्ट आता है तो सबसे तेज़ देने का काम आपको करेंगे, सही और सटीक विश्वसनीय जानकारी पाने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसकी वीडियो भी मैं डाल दूँगा। ओके, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों हमसे जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।